या लो गया इधर या इधर दोनों में ठीक है चलिए केक रोल रुक जाना एक मिनट चलो रोल इंट्रोडक्शन। हाँ मेरा नाम है रूपेश रायसिकंद और मैं इस म्यूज़िक वीडियो का डायरेक्टर हूँ और इसके अंदर मायरा और रूपल दोनों आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं। मायरा जो है वो बच्ची का पार्ट प्ले कर रही है और रूपल जो है वो एक मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सर कैसे थॉट आया ये माँ का एक बहुत गमगीन थॉट है कि कैसे आया कि माँ के ऊपर म्यूज़िक एल्बम निकाल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है माँ का जो थॉट है वो हर इंसान को चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा समझ में आता है और वो एक खुशी का थॉट है। क्योंकि मेरी मदर नहीं है अभी मेरी लाइफ में, उनका स्वर्गवास हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है कि एक मदर का सॉन्ग नहीं आया है और ऐसा सॉन्ग जिसको 8 साल से लेकर 80 साल का आदमी, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी बोलता है उई बाप, हर इंसान ये बोलता है उई माँ, तो मदर का एक सॉन्ग ऐसा है जो सबके साथ इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बेस्ट सॉन्ग होगा। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो मदर की और एक डॉटर की आएगी। इसकी म्यूज़िक की अगर बात करें तो कहाँ रिकॉर्ड किया गया, कौन है सिंगर? डायरेक्टर है, उनका नाम है रूपेंद्र श्रीधर, जिन्होंने म्यूज़िक किया है इसका और ये बॉम्बे में रिकॉर्ड हुआ है। सैड सॉन्ग लग रहा है ये, मांग क्या सैड? स्टोरी क्या? नहीं सैड सॉन्ग है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन ये स्टोरी एक ऐसी बच्ची की है जो लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें अचीव करना चाहती है। एक जॉगिंग के टाइम उसके पैर में ऐसी मोच आती है जब उसका एक कंपटीशन होने वाला होता है और उसको माँ कैसे तैयार करती है, कैसे प्रिपेयर करती है और उसका क्लाइमेक्स क्या होता है वो आपको ज़रा बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। कहाँ कहाँ शूट हो रहा है गाने का? इसको हमने पहले तो जो फर्स्ट डे था वो हमने किया वर्सोवा बीच पे शूट पूरा और आज इस बंगलो में शूट कर रहे हैं। किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करें? ये बीफोर यू पे जाएगा। वैसे तो और भी तमाम चैनल हैं लेने के लिए, लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है वो बीफोर यू से हुई है। अभी आपका एक गाना 4 मिलियन क्रॉस कर गया, उसके बारे में क्या कहना? हाँ अभी हमने गाना बनाया लाइन मारती है और IPL में भी चला। बहुत अच्छी जानकारी है आपकी और वो गाना 4 मिलियन से भी ऊपर जाने वाला है आप लोगों के सहयोग से और प्यार से। और मुझे लगता है कि ऐसे गानों का अब ट्रेंड दोबारा आ गया है, म्यूज़िक वीडियो का ट्रेंड इनफैक्ट दोबारा आ गया है और इस तरीके के गानों को मोस्टली लोग तब प्रेफर करते हैं जब वो डिस्क में जाते हैं। और जो मैं माँ का गाना बना रहा हूँ वो लोग तब प्रेफर करते हैं या तो जिनकी माएँ नहीं हैं या जो मोटिवेट होना चाहते हैं अपनी माओ से। कुछ हटके नहीं किया जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है पार्टी सॉन्ग ये सब इस तरह के, तो आपने एकदम से माँ का कॉन्सेप्ट ला के रख दिया, कुछ हटके? देखिए जो 4 मिलियन सॉन्ग की आप बात करें वो हटके ही था, लाइन मारती है वो पूरा डिस्क सॉन्ग था, बिल्कुल आज के यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग था। लेकिन माँ का सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है जो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एकदम डिफरेंट सॉन्ग रहेगा। मुझे लगता नहीं है, बहुत टाइम से मैंने कोई मदर के ऊपर कोई सॉन्ग देखा नहीं है। मुझे तारे ज़मीन पे एक गाना याद है, उसके बाद से मुझे ऐसा सॉन्ग नहीं पता है जो मेरे दिल को टच किया हो। इसके अलावा कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी मेरी एक कश्मीर में मैं फ़िल्म शूट कर रहा हूँ, उसके अलावा हम लोग एक लंदन में प्लानिंग है एक फ़िल्म को शूट करने की, उसका नाम है पिंक स्लिप और इसके इमीडिएटली बाद हम लोग एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, उसके बाद एक वेब सीरीज़ है जिसको हम गोवा में शूट कर रहे हैं। इस गाने को लेके ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे कि जब ये गाना रिलीज़ हो तो? देखिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो भी लोग अपनी माँ को प्यार करते हैं और इनफैक्ट सभी लोग अपनी माँ को प्यार करते हैं वो लोग इस सॉन्ग को ज़रूर देखें, इसको ज़रूर लाइक करें और ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाय आई एम मायरा सिंह, अ चाइल्ड एक्ट्रेस। हाय आई एम रूपल मोहता, मिसेस इंडिया यूनिवर्स। किस तरह का सॉन्ग है माँ बेटी और किस तरह का कॉम्बिनेशन है, क्या कहना चाहेंगे? ये सॉन्ग है एक मदर जो अपने बच्चे के लिए कितना ध्यान रखती है हमेशा एंड हमेशा उसे खुश रखती है एंड उन दोनों की बॉन्ड के ऊपर है। तो ये
रिस्पॉन्ड कैसे? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी रुपेश सर का जिन्होंने ये ऑडिशन लिया और ऑडिशन के थ्रू हमें सिलेक्ट किया। जब ये कॉन्सेप्ट सामने आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ मदर, और मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद इतना सुंदर कोई रिलेशन बेस्ड सॉन्ग आ रहा है जो मदर डॉटर का एक बाउंडिंग होना चाहिए, एक दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच का एक बहुत लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है, वो इस सॉन्ग के थ्रू शायद इस दुनिया को दिखाया जाएगा। साथ ही में हम लोग देखते हैं अभी लव सॉन्ग्स आ रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट इस ये कॉन्सेप्ट में काम करने का मुझे बहुत बहुत ऐसे दिल से इच्छा थी कि हाँ इस टाइप का कोई सॉन्ग आना चाहिए। तो कितना कोऑपरेट कर रही है मायरा? मायरा तो मेरी बेटी बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, मतलब लग नहीं रहा है कि हम लोग फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छा हम दोनों का बाउंडिंग है, यहाँ तक कि जो टीम यहाँ देख रही है हम लोगों की शूटिंग उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। आफ्टर ऑल वो कह रहे हैं कि हम दोनों लग भी रहे हैं माँ। यस, और अब हम लाइक आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस मिल चुके हैं, बट हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। ये कब तक चलेगा रिलेशन अभी मां? कब तक चलेगा? शूट तो आज हमारा नहीं सकते क्योंकि ये तो जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक चलेगा। शूट तो आज खत्म हो जाएगा, बट वी विल बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉरएवर एंड एवर। एक और लाइन कहना चाहूंगी कि माँ ये जो शब्द है दुनिया में सबसे छोटा शब्द है, बट माँ की जो फीलिंग्स है ना दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी फीलिंग है माँ की। और कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशन में अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा रिलेशन होता है एक माँ बेटी का, माँ बेटे का। ऐसा नहीं है कि फादर सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली वो भी सपोर्ट करते, बट माँ का एक अलग ही किरदार होता है दुनिया में। अगर भगवान से पहले भी माना जाए तो हम सभी माँ को मानते हैं। शूट से पहले कुछ रिहर्सल वगैरह? यस, हमारी रिहर्सल हुई थी टुगेदर, जिसमें हमने सॉन्ग सुना था एंड हमने सारे सीन्स प्रैक्टिस किए थे, एंड दैट्स व्हाई वी आर शूटिंग टुडे वेरी क्विकली। अभी क्या चल रहा है वैसे आपका इस गाने के अलावा? कुछ और चल रहा है, कुछ आप कर चुकी हैं वो शेयर कर दें? अभी फिलहाल सो आई एम वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल वाइल डूइंग दिस यू नो एक्टिंग। मेरा यूट्यूब चैनल है, आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड एवरी सोशल मीडिया आई एम वर्किंग ऑन इट। कुछ इसके अलावा नहीं चल रहा प्रोजेक्ट? यस हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं बट मैं वो आपको इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, सॉरी। सीरियल्स वगैरह जो किए हैं आपने वो शेयर? हाँ, आई हैव डन कुल्फी कुमार बाजेवाला एज अमायरा, आई हैव डन बालवीर एज आरोही, आई हैव डन मैडम सर एज राधा, एंड ये सारे बहुत हार्ट टच्ड हैं मेरे हार्ट से, बिकॉज इन सारे करेक्टर्स को प्ले करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे अपकमिंग जो आने वाले हैं, जैसे मायरा ने कहा डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, जल्द ही आपको बड़ी स्क्रीन पे हम लोग देखने मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार, जय माता दी। मैं रुपेश राय प्रोडक्शन से राजटांक एज ए हेड ऑफ प्रोडक्शन काम करता हूँ, और ये गाना आज हम मड आइलैंड के एक में बंगलों में शूट कर रहे हैं। इसमें एक फादर का कैरेक्टर है जो कि स्वर्गवासी हैं, लेकिन बीच में उनके विजल्स आएंगे जब बेटी एथलीट की तैयारी कर रही है, उस दौरान उसे अपने पिताजी की याद आती है, तब कहीं दृश्यों में मैं दिखूँगा। और क्या चल रहा है इसके अलावा? इसके अलावा अभी हमारा एक गाना सुपर हिट हुआ है, लाइनें मारती हैं, जो वाइट हिल्स म्यूज़िक पर आप देख सकते हैं, 4 मिलियन से अधिक अभी तक व्यूवर्स हो चुके हैं। और एक गाना हमने शान के साथ पिक्चराइज किया था, मतलब शान का गाना है, पिक्चराइज हमने आर्टिस्ट पे किया है, वो नेक्स्ट मंथ तक रिलीज़ होगा। और एक फिल्म है, कश्मीर बेस्ड फिल्म है, जो हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ में फ्लोर पे जाने वाले हैं। इस गाने को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के गाने बहुत ना के बराबर बनते हैं, माँ का एक अलग कॉन्सेप्ट। जी सही कहा आपने, वैसे पार्टी बेस्ड और यूथ बेस्ड होते हैं, ये माँ पे है और बड़ा भावुक गाना है। दर्शकों को मैं चाहूँगा कि, और चाहता हूँ और ऐसा होगा कि पसंद आए, हमने जितनी मेहनत की है इस पे आप सबको पसंद आएगा। कुछ कहना चाहेंगे गाने के लिए? बस इस गाने को प्यार दीजिए और इसे खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और क्योंकि माँ के ऊपर है और माँ से हम लोग सभी जुड़े हुए होते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद। Thank you.